हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम मानसिंह राठौर है और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं आप स्टॉक डीमेट अकाउंट का। तो दोस्तों अगर आप एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक बेस्ट में से एक है जिसमें आप अपना जिसको आप अपना ब्रोकर चुन सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं एंजल वन का रिव्यू कर चुका हूँ। तो दोस्तों एंजल वन का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अब हम मोटा मोटा जानते हैं आप स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आप स्टॉक की अगर स्थापना देखी जाए तो 2009 में हुई थी, तो तब से लेके अब तक लगभग इसको 13 साल हो चुके हैं। और दोस्तों अगर हम इसको प्ले स्टोर पर देखें तो हमें इसके दो एप्लीकेशन मिल जाते हैं, एक आप स्टॉक का ओल्ड वर्जन है, दूसरा इसका न्यू वर्जन है। तो दोस्तों इसके क्लाइंट अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा है, वहीं पर इसके एप्लीकेशन को जो रिव्यू मिले हुए हैं तो दोस्तों वो 1 लाख हैं। अब दोस्तों हम इसमें देखें तो इसमें सेगमेंट लगभग हमको सभी मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहें, म्यूचुअल फंड या फिर IPO, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करना चाहें, कमोडिटी में करना चाहें या फिर करेंसी में करना चाहें, तो दोस्तों इतने फीचर यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखा जाए इसका अकाउंट ओपनिंग का चार्ज, तो दोस्तों इसमें अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही इसमें AMC चार्ज भी दोस्तों लाइफ टाइम के लिए फ्री है। बाकी के डीमैट अकाउंट हैं जिनमें AMC चार्ज लगता है, लेकिन आप स्टॉक में 2021 के बाद, ठीक है, सितंबर 2021 के बाद जितनी भी अकाउंट हैं तो उनमें AMC लगना बंद हो गया है। तो दोस्तों आप तो 2023 में ओपन कर रहे हैं तो AMC चार्ज लाइफ टाइम आपसे लगेगा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर लगती है ब्रोकरेज चार्ज। तो दोस्तों अब हम इसमें ब्रोकरेज चार्ज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इधर आपको जो ब्रोकरेज चार्ज है तो दोस्तों 0 देना होगा, मतलब कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज है ही नहीं IPO और म्यूचुअल फंड में। वहीं पर अगर आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी या फिर कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों उसके लिए इधर 2 ब्रोकरेज चार्ज दिए गए हैं। एक तो दिया गया है फ्लैट ₹20 और दूसरा इसमें 0.05%। तो दोस्तों ये यहाँ पर तो दोस्तों इसमें से जो कम होगा ना वो लिया जाएगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से आपका ब्रोकरेज चार्ज बनता है ₹4 तो दोस्तों फिर आपसे ₹20 नहीं लिए जाएंगे। अगर परसेंटेज के हिसाब से आपका ब्रोकरेज बनता है ₹50 तो फिर आपसे ₹50 नहीं लिए जाएंगे बल्कि सिर्फ ₹20 लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाता है 0.05% वाला। तो अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज काफ़ी कम देने पड़ेंगे। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उधर आपको या तो ₹20 देने होंगे, इसमें से जो कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके पास फंड की कमी होती है और आप कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो इस कंपनी के अंदर आपको 2 गुना मार्जिन भी मिल जाता है, तो आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज भी कर सकते हैं आप स्टॉक के अंदर। साथ ही दोस्तों आप स्टॉक में आपको रेफर एंड अर्न करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अगर आप किसी को आप स्टॉक सजेस्ट करते हैं या फिर अपने किसी दोस्त को भेज देते हैं और फिर वो अकाउंट ओपन करता है आपके लिंक से तो दोस्तों आपको इधर ₹250 मिल जाते हैं अगर वो उसमें फर्स्ट ट्रेड भी कर देता है। तो दोस्तों आप स्टॉक में रेफर एंड अर्न का जो ऑफर है तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक पार्ट टाइम इनकम का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा इसीलिए दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इसका डीमैट अकाउंट का इंटरफेस वगैरह कैसा है। तो दोस्तों मैं इसके न्यू एप्लीकेशन को ही ओपन करता हूँ और मैं इसमें अभी लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि फंड की इधर जानकारी दी गई है और ऊपर लिखा हुआ है कि 370 स्टॉक में आप मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इनबॉक्स है, माई अकाउंट पर आप क्लिक करके इधर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें रिवार्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको रेफर एंड अर्न भी यहीं पर मिल जाता है। आप स्टार्ट रेफरिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका लिंक वगैरह जनरेट हो जाएगा और अंदर इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अपनी लीड वगैरह देख सकते हैं कि मैंने किन लोगों को रेफ़र किया है, तो उनके नाम आपको इसमें अंदर दिख जाएंगे। और दोस्तों जब आप क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर दोस्तों इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन है डिस्कवर का, तो दोस्तों डिस्कवर में आपको इधर शेयर से रिलेटेड जो मार्केट में अभी न्यू चल रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको इधर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, 52 वीक हाई, ठीक है, उसके बाद ये 1 मंथ लो, ठीक है, 1 वीक लो, 52 वीक लो, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको इधर मिल जाती है। उसके बाद इसमें और भी आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो का नेक्स्ट ऑप्शन है,
जिधर आप अपने पोर्टफोलियो को वॉच कर सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो। उसके बाद दोस्तों आता है ऑर्डर्स का, तो आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो जानकारी आपको यहाँ पर देखेगी। उसके बाद माय लिस्ट या फिर दोस्तों वॉच लिस्ट की बात करें तो वो ऑप्शन आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप जिस भी शेयर में या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के भी आपको इधर ऊपर ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको वॉच लिस्ट में से देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर आप किसी भी सेगमेंट किसी भी शेयर को सर्च कर सकते हैं इधर ऑल पर, ठीक है, या फिर कैश या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी। दोस्तों ये इसका कुछ सिंपल सा डेमो है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको यही बता दूंगा कि आखिर आप स्टॉक में फर्स्ट ऑर्डर कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है आप स्टॉक के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, जल्दी आपको उस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।